कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हसन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एंड आई एम बैक अगेन ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंडी, तो यानी हालात कुछ ऐसे हैं कि हम लोग मंडी जा रहे हैं फुल प्रिकॉशंस के साथ। तो फिर चलते हैं, आप गाड़ी के सिनेमैटिक्स चेक करें। गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मित्रा नु तंग नी, गोरी भी नी विच नी गोरी भी। सिनेमैटिक्स तो देख ही लिए होंगे, तो फिर अब चलते हैं मंडी के अंदर, एंड आई एम एंटरिंग द मंडी राइट। ब्यूटी है यार, चेक करें आप सिनेमैटिक्स। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत जानवर हैं, और आप ये ब्यूटी चेक करें। आई थिंक दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ काउज, और जिस खूबसूरती से इसे सजाया गया है, और बहुत तादाद में आवाम आई है। कुछ आवाम जो है SOPs नहीं ले रही, बट SOPs देना भी चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा और रिकवर करें कोरोना से। तो आएँ फिर आपको आगे दिखाएं। आप लोग सब ने कुछ कैटल फार्म्स देखे और कितने खूबसूरत जानवर मंडी में आए हुए हैं, तो इसी के साथ साथ मैं डेस्टिनी कैटल फार्म आया हूँ, जिनके जो ओन करते हैं डेस्टिनी कैटल फार्म को, दानियाल भाई हमारे साथ हैं, और वो आप लोग सबको बताएंगे कि डेस्टिनी कैटल फार्म में जानवर की क्या मतलब क्या खुराक है, और किस तरह SOPs फॉलो हो रहे हैं, और क्या सारी चीज़ें। असलाम दानियाल भाई, क्या है? मैं ठीक अलहमदुलिल्लाह। दानियाल भाई, आप ज़रा लाउड बोलो ताकि हमारी ऑडियंस हमें सुन पाए। और आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप लोग ने तो अपना खुद के फार्म पर ही रखे हुए थे, तो आप मंडी में कैसे आना हुआ? देखिए, मंडी आने का प्लान हमारा नहीं था, लेकिन फिर हमने मंडी वालों से फोन करी, तो उन्होंने मेक श्योर करवाया कि यहाँ पे तमाम SOPs फॉलो हों, और फिर हमने खुद मेक श्योर करा कि यहाँ पे हम तमाम SOPs को जो है वो फॉलो करें। सैनिटाइजेशन गेट भी लगा हुआ है यहाँ पे, मास्क के बगैर किसी को एंट्री नहीं दे रहे, और चेक भी यहाँ पे हो रहा है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हम मंडी की तरह, मतलब आप लोग सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, मदद से जानवर दे रहे हैं। अब आप ये बताएं कि जानवरों का फीड क्या दे रहे हैं? हमारा जो USP है वो यही है कि हमारे जितने भी जानवर हैं वो सबसे कम ऑर्गेनिक रेट के ऊपर है, किसी चारे के ऊपर है, और किसी को स्टेरॉइड वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगती। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारे जितने भी जानवर हैं बहुत खूबसूरती से, और सारे जितने भी लोग आप लोग से लेने आएंगे, आप लोगों के जो फैंस हैं, बहुत खूबसूरती से ईद मनाएंगे। और आप हमें ये बताएं कि जानवरों की प्राइस रेंज क्या है? मेरे पास 1 लाख से लेकर 24 लाख तक के जानवर हैं, और मैं देख भी रहा हूँ, और आप भी देखें कि कितने खूबसूरती से जानवर आए हुए हैं। और दानियाल भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें जो है अपना वक्त दिया, और आप बहुत आपके पास बहुत अच्छे जानवर आए, एंड भी हो कि आपके पास बहुत सारे आपके पास बायर भी आएंगे जो आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरती है आपके फार्म पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फार्म के ओनर दानियाल भाई को देखा कि उन्होंने कितने अच्छे से जानवर अपने पास पाले हैं, और कितनी अच्छी वो खुराक दे रहे हैं। तो अभी मैं एक और फार्म पर आया हूँ, रॉयल कैटल फार्म, और रॉयल कैटल फार्म जानवर भी बहुत खूबसूरत हैं, आप खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जानवर हैं, और आप जो है आप देख सकते हैं, आप आए मंडी ज़रूर, बगैर सारे SOPs के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत खूबसूरती के हैं, और आपकी प्राइस रेंज के हिसाब से भी आपको मिलेंगे, मगर SOPs होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग कोरोना को डिफीट कर सकें। तो आप एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जानवरों से डर भी बहुत लगता है, मगर जानवरों से आपको प्यार भी है। सबसे डेंजरस रोड खड्डों वाला नहीं होता, सबसे डेंजरस रोड ये वाला होता है, आप देखिए ये डेंजरस होता है। साथ में कुछ मज़े भी लेते हैं हम, और आपको जो है आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। इसके बाद जो है मैं आपको लास्ट एंड द बीस्ट कैटल फार्म दिखाने जाऊँगा, तो आए फिर चलें चलते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अपने लास्ट कैटल फार्म पे आए हुए हैं, जो कि रबानी कैटल फार्म है, और आप यहाँ के भी जानवर बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। आप ये वाला जानवर देखें, ब्लैक एंड वाइट जो है, कितना
या माँ बेटी का जो प्यार होता है वो सबसे बेस्ट जोड़ी होती है मेरे हिसाब से इन द वर्ल्ड। और आप ये नहीं होती है ये बेटी और ये माँ, मुझे नहीं पता बेटी है कि बेटा है, ये भी पता कर लेंगे, मगर सारे पैसे इसके हैं, कितने खूबसूरत हैं ये आप चेक करें। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ये थी मेरी मंडी की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान।